हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ त्योहारों का खास स्नैक्स जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। और इस खास स्नैक्स का नाम है क्रिस्पी लेयर्ड कली मटरी। ये खाने में इतनी स्वादिष्ट और खस्ता होगी कि इसे खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। और मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है और परतें कितनी क्लियर दिख रही है। आपको इसे देख कर लग रहा होगा कि इन्हें बनाना बहुत ही कठिन होगा, लेकिन ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। आप इन्हें बनाकर 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में जब मन करे तो चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए अब हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक बड़ी परात के अंदर हम 2 कप मैदा लेंगे और इसके बाद अब हम इसमें 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/2 ही चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अब हम स्पून की हेल्प से इसके बीच में एक बेल बना देंगे और इसके अंदर हम 4 चम्मच देशी घी डालेंगे। घी डालने से जो मटरियां हैं वो खस्ता बनती हैं। अब हम इन सारी चीजों को हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे आटे के अंदर जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट डला है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक मीडियम टाइट डो बनाकर प्रिपेयर कर लेंगे। आप देख सकते हैं डो हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी और डाल देंगे और इसे इस तरह से मसल कर नीट कर लेंगे। घी हमने अच्छे से इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम इस आटे को एक प्लेट से ढककर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए साइड में रखते हैं। अब हम इनकी लेयर बनाने के लिए साटा तैयार करेंगे। इसके लिए एक बोल के अंदर 1 चम्मच मैदा डालेंगे और 1 ही चम्मच हम इसमें देशी घी डालेंगे। उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं साटा हमारा तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। अब हम हमारा जो आटा रेस्टिंग के लिए छोड़ा है उसे भी देख लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा अब नीट करेंगे और अब हम इसे किसी चकली के ऊपर या किसी काउंटर टॉप पे इस तरह से अपने हाथों से लंबा लंबा रोल करते हुए स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे लंबा कर लिया है और स्मूथ भी ये अच्छे से हो गया है। अब हम किसी नाइफ या कटर की हेल्प से इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। बराबर बराबर 5 पीसेस में मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम 1 पीस को यूज करेंगे और 4 पीस को अच्छे से ढक कर रख देंगे जिससे कि ये सूखे नहीं। और अब हमारा जो ये पीस है इसकी एक स्मूथ और चिकनी लोई बनाकर हम इसकी तैयार कर लेंगे। लोई हमारी अच्छे से बनकर आप देख सकते हैं रेडी हो गई है और अब हम इसको बेलन से बेलना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो इसको बेलने के लिए हमें किसी घी, तेल या फिर किसी सूखे आटे की जरूरत नहीं है। यदि आपको जरूरत लगे तो आप इनका यूज कर सकते हैं। जो रोटी है वो हमें इतनी पतली बेलनी है कि जिससे कि जो हमारा नीचे का काउंटर टॉप है वो बिल्कुल दिखने लगे, यानी कि हमें जो रोटी है वो एकदम पतली बेलनी है। आप देख सकते हैं 1 रोटी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अब हम हमारी इसी तरह से दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से रखनी है। ये हमारी परफेक्ट थिकनेस है रोटी की। इसी तरह से हम 1 by 1 सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। अब हम साटे को 1 रोटी पर इस तरह से फैलाएंगे और अपनी उंगलियों की हेल्प से इसकी पतली पतली लेयर लगा देंगे। 1 लेयर पे हमने साटा लगा दिया है रोटी के ऊपर। अब हम इसके ऊपर हमारी तैयार की हुई दूसरी रोटी रख देंगे। अब हम इसके ऊपर भी साटा लगाएंगे। साटा लगाने के बाद हम तीसरी रोटी रख देंगे और इसी तरह से 1 by 1 हम सारी रोटियों को इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। ध्यान रहे रोटी जो है वो एकदम पतली होनी चाहिए। मैंने 4 रोटियों को रख दिया था। अब ये 5वीं रोटी है जिसको मैं कवर कर रही हूँ। हमने सभी रोटियों को एक के ऊपर एक बीच में साटा लगाकर अच्छे से रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों से हल्का सा इसे दबाएंगे और अब हम किसी नाइफ या कटर लेंगे और उसकी हेल्प से इसके साइड्स को निकाल देंगे। यानी कि बेसिकली हमें एक स्क्वायर शेप चाहिएगा। ये देखिए साइड से मैंने इसके एजेस को निकाल दिया है और हमारी एक स्क्वायर शीट बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे बीच में से सेंटर में से कट करेंगे जिससे कि हमारे जो और पोर्शंस हैं वो भी बराबर इक्वल कट जाएं। जो ये बचे हुए पार्ट्स हैं इनके छोटे छोटे पीसेस करके हम नमक पारे फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए हमने इन्हें इस तरह कट कर लिया है। अब हम इसे हॉरिजॉन्टली भी कट कर लेंगे।
ये देखिए हमारे चौकोर पीसेस अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इन पीसेस को, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने परफेक्ट बने हैं और लेयर आई है। अब हम एक पीस को उठाएंगे और उसे इस तरह से ट्रायंगल कट कर लेंगे और अब हम इसकी कली मठरी बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह बनानी है। इस तरह से अब हम इस ट्रायंगल के दोनों किनारों को पकड़ेंगे और फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं और अच्छे से इसे दबा देंगे जिससे कि फ्राई करते टाइम पे ये खुले नहीं। तो लीजिए हमारी इस तरह से सुंदर सी कली मठरी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी भी बना करके, जिससे आपको बनाना इजी हो जाएगा। ये देखिए इसको अब किनारों को ओवरलैप करते हुए हम दबा देंगे, दूसरी मठरी भी बनकर हमारी तैयार हो गई है। और इसी तरह से हम सारी मठरियों को बना लेंगे। ये देखिए ये जो शीट है इसको हमें किस तरह से इजीली कट कर रहे हैं, इसे बीच में से हम नाइफ या कटर की हेल्प से कट कर लेंगे और सारी जो कली मठरियां उनको रेडी कर लेंगे। ये देखिए सारी मठरियां हमारी बनके तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें गरम तेल में फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने गैस पर एक पैन के अंदर तेल को गर्म होने रख दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसके अंदर हम वन बाय वन सारी मठरियों को डाल देंगे और बिल्कुल सिम फ्लेम पे यानी लो फ्लेम पे हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे और इन्हें जब तक करेंगे जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी करारी नहीं हो जाती। आप देख सकते हैं मठरियों का कलर अच्छे से चेंज हो गया है और ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अब हम इन सारी मठरियों को निकाल लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया परतें आई हैं मठरियों में और कितनी क्रिस्पी भी लग रही हैं और ये एकदम खस्ता बनी है। तो लीजिए तैयार हो गई हैं हमारी इस बार के खास त्योहारों के लिए चाय के साथ इंजॉय करने वाला स्नैक्स, हमारी खस्ता कलीदार मठरियां। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा। आपको मेरी ये कलीदार मठरी की रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।